नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त मेरे साथ एक महिला मौजूद है जिनका नाम वीनू है, जो कि करनाल की शिव कॉलोनी की रहने वाली हैं। मेरे सहयोगी आकर्षण उप्पल ने और आईबीएन 24 ने आपको एक कवरेज दिखाई थी इस साल अगस्त में, जिसमें ये महिला काफ़ी परेशान थी, रोती हुई नज़र आ रही थी, जिसमें इनका कहना था ये 3 महीने प्रेग्नेंट हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो इनको छोड़कर जा चुके हैं। इनको दहेज के लिए इनको बार बार सताया जा रहा था, कहा जा रहा था क्योंकि इन्हीं के घर में इनके पति जो थे वो रह रहे थे, इनसे प्रेम प्रसंग के बाद इनसे वो शादी करते हैं 2019 में, इन्हीं के साथ वो रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये घर मेरे नाम करवा दे वरना मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। लगातार बार बार धमकियां देने के बाद मैं आपको बता दूं कि इनके पति ने, जो पहले इनके पति थे लेकिन अब वो किसी और के पति हो चुके हैं, अब उन्होंने किसी और से शादी कर ली है और उस वक्त इन्होंने शादी करी जब इनकी जो पत्नी है, जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये प्रेग्नेंट थी। आप खुद समझ सकते हैं, जो भी महिलाएं ये वीडियो देख रही होंगी वो खुद समझ सकती हैं कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय में उसको सबसे ज़्यादा सहारा जो चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो उसके पति का होता है। लेकिन इनके पति ने इनको उस हालत में छोड़ा जब ये प्रेग्नेंट थी और इनको अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक बार जान लेते हैं, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पति ने अब शादी कर ली है और वो एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ और किस तरीके से इन्हें पता लगा कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, बावजूद इसके कि इनको ना तो उन्होंने पहले बताया ना इनको कोई तलाक दिया, और हमारे संविधान में ऐसा करना गैर कानूनी काम है। एक बार इन महिला से ही बात कर लेते हैं। मैडम, कहाँ अब आप रहती हैं? वहीं शिव कॉलोनी में रहती हैं? जी मैडम, मैं शिव कॉलोनी में रहती हूँ, मेरे साथ गुड़िया है। और मैडम, तीन मुझे पता लगा था कि 3 तारीख को इसकी 19 तारीख को शादी है, और मुझे अंदेशे के अनुसार मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी थी रामनगर थाना में 3 तारीख को। 3 तारीख को कंप्लेंट करने के बाद ये इंसान कैसे महीने 3 तारीख को तीसरा महीना। अच्छा। इसी मतलब कि इसी महीने हाँ, इसी महीने की 3 तारीख को मैंने कंप्लेंट कर दी थी, जो कि मुझे ये पता लगा था भी लड़के की 19 तारीख को शादी है, 19 फरवरी की शादी है। तो मैडम, मैंने उस टाइम तो मैंने ये रखा, मैंने पुलिस वालों को भी बार बार कहा जी मैं कार्रवाई करो कार्रवाई, मैं 2-3 बार थाने में गई, उन्होंने ये कहा कि लड़का बिना तलाक दिए शादी नहीं कर सकता। वो बार बार फ़ोन करते रहे और वो लड़का यही बोलता रहा पुलिस को भी, हाँ जी मैं जब तक कोर्ट का केस चल रहा है मैं जब तक कोई शादी नहीं करूँगा। फिर भी उन्होंने 16 तारीख रात को शादी कर ली और 17 तारीख दिन को सचिवालय में मोदीपुर गांव में कुलदीप डॉटर ऑफ नेहा के नाम की लड़की से शादी कर ली। और जो इसको ना ही कोई कानून का डर है ना ही इसे कोई समाज का डर है। तो आप जानती थी उस महिला को, पहले कभी मिली थी उन महिला से जिनसे? मैं नहीं मिली थी। जिस दिन मुझे ये पता लगा कि वो लड़की लेके घर आ चुके हैं, मैं रात को ही 9 बजे रामनगर थाना के मुलाजिमों को लेकर गई कि वो लड़की लेके आए हैं। फिर उन्होंने मुलाजिमों ने भी आधा घंटा पता नहीं मुझे ऊपर क्या करा क्या नहीं करा, मुझे नीचे आके बताया गया कि वो लड़का लड़की ऊपर नहीं है, जबकि उस लड़के ने 10:30 बजे जो दहेज आया उसका, उस दहेज को अभी वो खुद उस लड़के ने उतरवाया नीचे, मतलब कि अंदर रखवाने के लिए। जब भी मुझे पता था, जब भी रामनगर थाने ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, SHO को भी बोला, SHO भी ये बोल के वो छुड़वा गया कि ये तो जी आपका मामला कोर्ट में चलेगा। जब मुझे ये पता था कि 19 तारीख को शादी है, मुझे दरखास्त दी थी, जब इन्होंने क्या कार्रवाई करी? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस लड़के की 3 तारीख की दरखास्त देने के बाद कैसे शादी हो गई? इसका मतलब कि पुलिस को पता था कि लड़के की शादी हो रही है, तभी तो इनको शादी भी करवा दी। चलो शादी भी हो गई, अब ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस वक्त? शादी होने के बाद हमने कहा कि लड़के को बुलाओ, एक बार भी हमारा आमना सामना तक भी नहीं करवाया, लड़के तक के बयान लेने से एक बार लिए और दोबारा ये भी निकाह भी, हाँ लड़के के हम बयान लेंगे और या कोई बात करेंगे हम, और रेस्ट करने की बजाय हमें कहते हैं जी हमने तो DRD काट के दे दिया और जो कोर्ट में लड़ लो कोर्ट में लड़ लो। क्यों हम कोर्ट में क्यों लड़े? क्या इनका फर्ज नहीं था कि वो लड़का हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है बार बार और बाई फेस हमें धमकियां दे रहा है? अगर कल को मेरी गुड़िया को या मुझे कुछ हो जाता है, क्या ये थाना जिम्मेवार है इस चीज के लिए? तो आपकी अभी पहले गुड़िया भी है? जी मेरे पास गुड़िया भी है। तो कितना समय हुआ था आपकी शादी को, कब आपकी शादी हुई थी? जी 5-6 साल हो गए हैं जी से।
5-6 साल हो चुके हैं शादी को। एक दो साल से तो रिलेशन में था, फिर इसने मेरे साथ शादी करने का सांझ रचाया, जो कि इसने 376 धारा भी लगाई थी। पहले ये 3-4 बारी भाग चुका है घर से। अच्छा। जब मैंने बार बार थाने में वो करी, कंप्लेंट करी, 1-2 बार समझौते करके या घर पर आ गया, समझौते करने के बाद भी ये फिर रामनगर थाने में फिर 3री बार जब मेरी दरखास्त गई, जब इस लड़के ने ये बोला मेरे को कि भी 300, मैं इसको कुछ नहीं मानता, मैं तो इसको जानता ही नहीं, जब इस पर 376 धारा लगी, फिर ये शादी के वही फोटो लेकर सब कुछ दिखाकर और शादी जमानत लेकर उसी चीज़ से फिर ये बाहर आ जाता है लड़का। जबकि इसने कोर्ट में, कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, इसने ये कह रखा कि हाँ जी मेरी ये वाइफ है, मैं कोई इसके साथ वैसे नहीं रह रहा था, कोर्ट के ऑर्डर तक भी हैं हमारे पास। तो आपकी शादी कब हुई थी और क्या नाम है आपके पति का? मुकेश। और कब शादी की थी आप दोनों ने, कौन से सन में? 2019 14 मार्च। 14 मार्च को 2019 में। तो उससे पहले आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे? हाँ, कहीं ना पहले ये वैसे ही मतलब मेरी आता जाता रहता था, तो मैंने यही कहा कि मेरे को ऐसे मत बदनाम करो, और तुम अगर मेरे साथ तुमने रहना ही है, मेरा साथ देना ही चाहते हो, तो मेरे साथ मैरिज करोगे जब मैं आपके साथ रहूँगी, नहीं तो मैं कोई आपके साथ नहीं रहूँगी। फिर इसने क्या करा कि ये मेरे साथ भी रहने के लिए तैयार हो गया और रहता भी रहा काफ़ी साल, 4-5 साल मेरे साथ रहा। उसके बावजूद फिर इसने ऐसा बार बार भागता रहा भी, अपना मकान मेरे नाम करवा दे, अपना मकान मेरे नाम करवा दे, मैं जब तेरे साथ रहूँगा। 2-3 बार मेरी समझौते भी हुए हैं, फिर भी ये बंदा बाज नहीं आया, जब इसी पर 376 धारा लगी थी, उसके बावजूद ये फिर बली हो जाता है ये मानकर कि मेरी वाइफ है ये। तो जब वो आपसे मांग कर रहे थे कि ये जो आपका मकान है जिसमें वो आपके साथ ही रह रहे थे शिव कॉलोनी में, तो वो तब कब कह रहे थे, शादी होने से पहले या शादी होने के बाद? शादी होने के बाद। पहले तो ये लिविंग रिलेशन में प्यार प्यार में फसला फसला कर मेरे साथ रहता रहा, जब इसे लगा भी शादी हो गई है, सब कुछ हो गया, जब ये कहने लगा कि मैं, मेरे मम्मी पापा तो दबाव डालते हैं भी, तेरी तो ऐसे शादी नहीं हो सकती, तेरी शादी तो हम करवाएंगे, तो फिर ये कहने लगा मेरी मम्मी पापा तो ये कहते हैं वो कहते हैं। फिर इन्होंने मतलब कि अपने लड़के को 2-3 बारी भगा दिए यहाँ से, कभी इसको यूपी भेज देते थे, कभी कहीं भेज देते थे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना, फिर ये रामनगर थाने वालों ने ही इसको पकड़ने के बाद इन्होंने फिर 376 धारा इस पे लगी, जिसमें ये वाइफ मान के और ये जमानत पा लेता है। जमानत पाने के बाद जब पुलिस फिर पूछती है कि तू दूसरी शादी कर रहा है, उनको भी यही कहता है कि नहीं जी कोर्ट के फैसले के बाद मैं शादी करूंगा, कोर्ट के फैसले के बाद शादी करूंगा। अब ये पुलिस क्यों नहीं उससे ये सवाल करती कि भी अब क्यों इसने शादी करी है, कोर्ट के फैसले का इंतजार इसने क्यों नहीं करा? अभी तक तो हमारी तारीखें भी 3-4 केस कोर्ट में ये लड़ रहा है। तो क्या लगता है क्या वजह है कि अभी मुकदमा जो है एक तरीके से चल रहा है और उसके पहले ही जो है शादी भी कर ली गई है, पुलिस वालों ने भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया? जी पुलिस वालों को इसका मतलब सब पता था कि 19 तारीख की शादी है, उसको ये था कि इसने 19 तारीख को भी पूरी इंक्वायरी रखेगी, इसलिए उन्होंने 16 तारीख को रात को शादी करवा दी। शायद इस चीज़ में पुलिस भी मिली हो सकती है, जबकि 3 तारीख को दरखास्त दी मैंने, फिर इन्होंने शादी कैसे होने दी? शादी हो गई, चलो अब हो गई है, तो इसने उन्हें अब क्या कार्रवाई करी है? जो मतलब कि जो भी इकट्ठे प्रूफ करने थे वो तो मैंने करे हैं, शादी की वीडियो होगी, शादी के कार्ड हो गए, जो कुछ है वो प्रूफ मैंने इकट्ठे करे हैं और मेरे वकील साहब ने इकट्ठे करे हैं, जो हमने खुद दिए वही बयानों को DRD काट के मार को दे दी, पकड़वा दी, जाओ जी कोर्ट में खा लो धक्के। क्या इनका वो नहीं बनता था फर्ज कानूनी तौर पर कि ये इसको लड़के को अरेस्ट करें? और जो इन्होंने पूरी सांगरा से जिनके मैंने नाम दे रखे हैं, इन्होंने सब मिली भगत करके इन्होंने रात ही रात को शादी करी। तो आपको कैसे जानकारी मिली थी, किससे जानकारी मिली थी कि जो आपके पति हैं उन्होंने शादी कर ली? जी मेरे को उनके पड़ोस में से ही किसी का फोन आया था कि आपका हस्बैंड है ना जो इस टाइम वाइफ को लेके घर आ चुका है, उसी टाइम में जी 9 बजे रामनगर थाने में जाती हूँ, पुलिस को लेके जाती हूँ, और वहाँ पर लड़का लड़की उसके माँ बापों ने जिद कर ली, हमें अंदर जाने नहीं दिया कि हमें लड़की लड़की को पकड़ सकें। तो वो जो भी उनका मुलाजिम था एक रामनगर थाने का, वो ऊपर गया, पर वो 1.5 घंटे बाद नीचे उतरता है, रब तो जाने उन्होंने पैसे खिला दिए और पैसे से जेब उसकी भर दी। उसने नीचे आके ये बोल दिया जे कि नहीं लड़के ने तो कोई शादी नहीं करी, लड़का यहाँ पर है ही नहीं, जबकि मैंने 3री मंजिल से खुद देख लिया था लड़के को और बहू को भगाता हुआ। इसका मतलब कि जब बहू के सामने पुलिस आ रही है 3-4 दिन से, इसका मतलब वो लड़की भी शामिल है इस चीज में। तो लड़के पास कोई प्रूफ है कि उनकी शादी हो चुकी है? हाँ जी मेरे पास वीडियो है और हमारे पास कार्ड है, और जो अगर गांव के सचिवालय हैं अब कहीं से भी पता कर सकते हो, और लड़की वो शरियाम रामनगर में उसी के साथ रह रही है।
अभी वो लड़की उसी के साथ रह रही है, 16 को शादी हो गई थी। हाँ जी, उस लड़की को अब ये भी पता लग चुका है, अभी इसकी वाइफ इसके पीछे खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी वो लड़की ये कह रही है कि हाँ मैं जो उस पे होता हो जा कर ले। एक वाइफ भी होने का मतलब कि मुझे कोई वो नहीं है कि उस बंदे ने मेरे को वाइफ कहा तो मेरे को वो कह रही है जो उस पे होता हो जा कर ले। आपके पास तो अपनी शादी के पूरे प्रूफ होंगे और आपने दिखाए भी होंगे कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, तो आपके पति अब बीच में माने थे कभी कि हाँ ये मेरी धर्म पत्नी है? और हाँ जी माने हैं, हमारे पास प्रूफ भी है, कोर्ट के भी ऑर्डर है, प्रूफ भी है। एक मिनट में हम दिखा देते हैं, अपने प्रूफ दिखा देते हैं। इनके जो वकील हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक बार उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि सर एक बार थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि आपसे भी हमें बातचीत जरूर करनी है। और जितने भी व्यूवर्स इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि एक बड़ा मामला है। आप देख सकते हैं कि एक पति की पत्नी यहाँ पर मौजूद है और पत्नी को तलाक दिए बिना ही जो पति है वो अचानक से शादी कर लेता है और पहले प्रेम प्रसंग में जो है इनको फंसाता है कहीं ना कहीं और बाद में कहता है क्योंकि इन्हीं के घर में रह रहा होता है और कहता है कि अपना जो मकान है वो मेरे नाम कर दे और कुछ गाड़ी वगैरह की भी मांग कर रहा था वो पहले। जी पहले मेरे को ये कहता है अपना मकान बेच के और ये गाड़ी मेरे को गाड़ी डिजायर स्विफ्ट दिला दे, मेरे पास कोई काम नहीं है, जबकि ये नगर निगम में ये काम करता है और ये नगर निगम में भी हमने कंप्लेंट कर रखी है 3-4 दिन, आज हफ्ता हो गया हमने कंप्लेंट कर रखी है, अभी तक वहाँ के कमिश्नर ने भी हमें कोई जवाब नहीं दिया कि इन्होंने कंप्लेंट करी है तो हमें जवाब इस चीज़ का तो मिलना चाहिए, ये क्यों काम पर क्यों रख रखा है इन्होंने। इसका मतलब कि सब इसके साथ मिले हुए हैं, जो इसका गैर कानूनी काम करने वाले का भी साथ दिया जा रहा है। कल को तो जी मुझे मेरी लड़की को और मुझे जान से खतरा, जो बंदा इतना बड़ा रिस्क उठा सकता है कल को मुझे और मेरी बेटी का को भी ये मार सकता है या मरवा सकता है। तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? मेरी बेटी जी 7-8 साल की गुड़िया है मेरी। 7-8 साल की गुड़िया। तो ये आपकी पहली शादी थी या फिर? जी ये मेरी पहली शादी थी जिससे मेरा डिवोर्स हो चुका है, सारी 15-20 साल से वो चीज़ खत्म हो चुकी थी। ठीक है। तो इसने इस गुड़िया को भी अपनाया था, कोर्ट में ही अपनाया था कि मैं इस गुड़िया मेरी गुड़िया भी इसको पापा ही बोलती थी। अच्छा। मेरे को सिर्फ एक सहारे की जरूरत थी, जब इसने मेरे को ये देखा भी अकेली औरत है और मैं बेसहारा है, मैं इसको सिर्फ सहारे की जरूरत थी, मुझे ना ही तो इस बंदे से कोई लालच था ना किस चीज़ की जरूरत थी मुझे। तो आपके पास कहीं ना कहीं पैसे थे और कहीं ना कहीं उनको भी ये जानकारी थी तभी वो लगातार आपसे दहेज की या फिर कार जो है खरीदने की मांग कर रहे थे? जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरा एक भाई है जो उनसे मतलब कि मेरी मम्मी के पास अपनी ही जो कुछ है अपना जमीन जायदाद है, मेरी मम्मी को पता था कि मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरी मम्मी मुझसे खुद रेंट लेती है और मम्मी ने मकान मेरे को लेके दे रखा है। इससे पहले ये पता था नाम तो इसी के ही है, इसको ये तो जानकारी थी भी इसी के नाम है, वो तो है तो मेरी मम्मी का ही मकान ना, मेरा तो नहीं है ना, वो तो मुझसे रेंट ले रही है इस वक्त भी। तो बस अब ये देख लो कि उसको ये बाद में पता लगा ना भी इसकी मम्मी के पास में, फिर ये कहने लगा कि हाँ जी नहीं नहीं ये मकान तो मेरे नाम नहीं, अब तो ये करवाएगी नहीं भी, इसकी मम्मी का भी नाम बीच में है, तो ये बंदा फिर बार बार भागने लगा घर से। तो आप करती क्या है अभी, कुछ वर्किंग में है या फिर? जी मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ घरेलू महिला हूँ, मैं घर पर ही हूँ। तो अभी बेटी का पालन पोषण कैसे हो रहा है? मैडम थोड़ा बहुत मेरा पार्लर का काम है जो मैं उससे अपना 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर रही हूँ, बाकी इस बंदे ने मुझे इतना धक्के खिलवा दिए, सब जगह कुछ करवा दिया, बट इस बंदे को फिर भी कोई ना तो सजा हो रही है ना कुछ हो रहा है और ये शरियाम घूम रहा है। कल को ये मेरी बेटी का और मुझे इस चीज़ का खतरा है, इसको पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है, ऐसा कितने से पैसे ये खिला देता है पुलिस वालों को और मुझे शरियाम धमकी दे के जाता है। परसों तरसों की बात है, मैंने SHO को भी बोला रामनगर थाने में, सर मैं एक आटा लेने गई 9 नंबर गली में, मुझे शरियाम धमकी देकर गया, कहता है जी तू ना रामनगर थाने में ना आना जाना बंद कर दे, मैंने तो उनको खरीद रखा है और तू कुछ नहीं कर सकती मेरा, बताओ फिर। ये बात भी मैंने SHO को बोली, तब भी उन्होंने जी अनदेखा कर दिया मेरी बात को, मेरे हाथ में सिर्फ DDR काट के मेरे हाथ में थमा दी बस, और कुछ नहीं करा इनके इसके अलावा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पति ने शादी भी कर ली और उसके बाद इनको ही धमकाया जा रहा है कि अगर तू दोबारा से रामनगर थाने में जाती है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं जान से मारने की भी इनको धमकी दी जा रही है। इनकी 7-8 साल की गुड़िया भी है और उसको भी मारने की धमकी दी जा रही है और कहा यही जा रहा है कि मैं रामनगर थाने में जो है मैंने पैसे चढ़ा दिए हैं, मैंने पैसे खिला दिए हैं और वो तेरी बात नहीं मानेंगे। हालांकि हो सकता है कुछ ऐसा ही काम हो, कुछ ऐसा ही रीज़न हो, यही कारण है कि अब तक जो है गिरफ्तारी कहीं ना कहीं नहीं की गई। एक बार एडवोकेट सर्बिया सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन गुप्ता एडवोकेट है, मैं IBN 24 के सभी व्यूअर्स का जो है इसके अंदर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को कवर इसे देखें भी और इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये मैटर
जो हमारी महक शर्मा जो रिपोर्टर कर रही हैं और दर्पण जी इसके अंदर साथ दे रहे हैं, आकर्षण उपल जी ने इसे हाईलाइट कराया है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, सोशल कंसर्न है इसके ऊपर बड़ा भारी। और लीगली भी अगर आप समझें तो ये एक वाइड मैग्नीट्यूड का मैटर है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिस के दौरान में हमने कम देखा है कि जहाँ पर कोई पहले पति के साथ मुकदमा चल रहा हो और वो हस्बैंड इतना डेयर डेविल काम करे कि वो एक सेकंड मैरिज को ओपनली सोशली मैरिज कार्ड बांट के और लोगों के सोसाइटी के वाइड उसके अंदर मतलब एक तरह से कवरेज करके और शादी कर ले, और वो भी कहाँ शादी कर ले, सचिवालय में, सचिवालय मोहिद्दीनपुर का सचिवालय, कोई ऐसा नहीं है, कोई प्राइवेट कोई जगह नहीं है, कोई किसी का घर नहीं है, वो एक सरकारी जगह है जहाँ पर वो शादी कर रहा है। और ये जो लड़का है मुकेश कुमार, ये पुत्र ज्ञानचंद, ये लड़का नगर निगम में लगा हुआ है। अब आप ये देखेंगे महक जी कि ये जो नगर निगम है ये कैसे चलता है, पब्लिक के टैक्सेस से चलता है। क्या पब्लिक के टैक्सेस ऐसे बदमाशों को रखने के लिए हैं, ऐसे गंदे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हैं? और अगर ये किसी एक लड़की के साथ ऐसे कर रहा है जो हमारी सोसाइटी की बेटी है, तो कल को क्या ये नगर निगम के साथ कोई जस्टिस करेगा, अपनी एम्प्लॉयमेंट में कोई जस्टिस करेगा? हमने इसके बारे में भी दरख्वास्त दी। और इसके बारे में मैं आपको और ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैटर है ये तकरीबन जुलाई 2020 के अंदर ये पुलिस ने, रामनगर पुलिस ने FIR दर्ज की, FIR नंबर 191 है जो 8/7/2020 को दर्ज की गई, और 376/498/323/34 IPC में 5 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है इनिशियली। और उसके बाद पुलिस ने जो इस लड़की की जो पहले तो सबसे पहले 376 को तोड़ा, वो कैसे तोड़ा कि आप ये लड़का मान गया जी ये तो मेरा, ये मेरी वाइफ है, ये तो रात के फेरे करेंगे। अब आप ये देखें कि ये जो आपके सामने ये देखिए महक जी वीडियो है, आप देखें कि ये रात को 17 फरवरी 2021 को मोहिद्दीनपुर गांव का वीडियो है जिसको मैं अभी आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। और इसके अंदर ये पब्लिकली जो है पब्लिक के मतलब प्रेजेंस में शादी कर रहा है, पंडित है वहाँ पर, और पुलिस 3 फरवरी 2021 को दी हुई दरख्वास्त के ऊपर रामनगर पुलिस चुप बैठी रहती है। मैं पर्सनली खुद रामनगर पुलिस स्टेशन कई बार गया, क्योंकि ये लेडी अकेली है, ये इसके साथ कोई मतलब इसका, क्योंकि इस लड़के की वजह से इसके अपने माँ बाप के साथ भी रिलेशन स्ट्रेंड हो गए, अपने भाइयों के साथ भी रिलेशन स्ट्रेंड हो गए, क्योंकि एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में 2-3 साल पहले ये लड़का इसे एक्सप्लॉयट करता रहा और इसको सेक्सुअली यूज़ करता रहा, बहुत गलत तरीके से यूज़ करता रहा। और उसके बाद एक प्रिटेक्स्ट पे कि भाई मैरिज कर दी है मैंने तेरे साथ, मैरिज के प्रिटेक्स्ट पे इसकी लड़की को अपना लिया, उसके बाद इसको मिसयूज़ किया, कहीं ना कहीं पैसे के लालच में भी डेफिनेटली, क्योंकि इसकी मदर जो है उसके पैसों से ये मकान खरीदा हुआ है, इस लड़की का तो पर्सनली ये मकान नहीं है, मदर ने सिर्फ इसलिए इसके नाम कराया ये मकान, क्योंकि हो सकता है कि उसने सोचा वो भी बेटी है कोई बात नहीं, इसके नाम भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, मगर ना तो इसके फंड्स हैं उसके, और ये तो सिर्फ वहाँ पर ये भी रेंट पे रह रही है, मदर को रेंट देती है ये, मगर इसमें ये लड़का ये चाहता था कि ये मदर के साथ भी ठगी करे, ये मकान बेचे क्योंकि इसके पास रजिस्ट्री है, इसे मिसयूज़ करे और इसको गाड़ी वाड़ी दिलाए या सब कुछ करे, मोटरसाइकिल दिलाई इसको, इस लड़के ने, इस लड़के को मोटरसाइकिल भी दिलाई गई है, 30,000 रुपये इसने उसको दिए। तो अभी क्या करते हैं आपके पति जी? नगर निगम में लगे हुए हैं, नगर निगम में लगे हुए हैं जी। जी हमने कंप्लेंट भी कर रखी है और उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। अशोक नाम का सुपरवाइजर है जो इससे मिला हुआ है, वो कहता कोई टेंशन मत ले, मैं तेरे को नहीं हटने देता, अगर हम नगर निगम के अंदर जाते हैं तो वो बाहर ही बाहर से उसको काम पर लगाए रखता है। ये सुपरवाइजर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक इनके जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई चाहती हूँ मैं, जो ऐसे इंसान को अपने काम पर रख रही हैं। तो आपको क्या लगता है अगर आप पहले ही मकान
दे देती उनको, मकान उनके नाम करवा देती, कार दिलवा देती, तो कब का आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता? धक्के तो जी अब भी ये मार चुका है, पर उस टाइम मेरे को ये जान से मार चुका होता। मुझे इतना जरूर पता, अगर मैं इसके नाम कुछ करवा देती, सब कुछ कर, अगर जो बंदे को मैंने मोटरसाइकिल दिलवा दी 20,000 तक, फोन तक दिलवा दी, उसने जब नहीं कदर पाई, अगर शायद मैं इसको मकान नाम करवा देती, ये तो हम मुझे और मेरी बेटी को जान से ही मार देता। और जी ये इसकी शादी की वीडियो है, ये देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शादी की वीडियो है। रात के समय में, रातों रात जो है 16 फरवरी को शादी कर ली जाती है, रातों रात। हालांकि जो शादी होनी थी वो 19 फरवरी को होनी थी, और उसको लेकर ही मैडम FIR दर्ज करवाने जाती है। मैडम जाती है कि 19 को ये शादी किस तरीके से कर सकती है, लेकिन हालांकि फोन में कुछ दिक्कत है, वीडियो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। रात की, बिल्कुल अंधेरे की वीडियो है। रात को आप समझ सकते हैं इनके पति ने अंधेरे में गुपचुप तरीके से जो है शादी कर ली बिना इनको बताए। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। अब आप कौन सा कार्ड है मैडम जो उनकी शादी का कार्ड है? ये आप देख सकते हैं, उनकी शादी का ये कार्ड है। आप देख सकते हैं एक पत्नी दुखी है, एक पत्नी प्रेग्नेंट थी, एक पत्नी जिनका वो चाहते थे कि वो बस उनके जो मकान है उनके नाम, वो मेरे नाम कर दिया जाए और उसके बाद पत्नी चाहे भाड़ में जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पति जो है दूसरी शादी सरे आम करने जा रहा था। सर इस तरीके से कितने केसेस ऐसे होते हैं कि एक पत्नी अभी जो है इस तरीके से है, परेशान है, उसको छोड़कर दूसरी शादी कर ली जाए? महक जी, जब 3 फरवरी से पहले इस लड़की ने मुझे बताया, वीनू ने, कि उसका हस्बैंड मुकेश कुमार सन ऑफ ज्ञानचंद जो 39/4 रामनगर में रहता है और नगर निगम में काम करता है इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पर, ये दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो इसने मेरे से लीगल ओपिनियन मांगी कि क्या ये कोर्ट के केसेस के दौरान, जब इस लड़की ने सेक्शन 9 घर बसाने का HMA में दावा डाला हुआ है, फैमिली कोर्ट के अंदर 125 CRPC का केस डाला हुआ है, और लर्नेड मजिस्ट्रेट के यहाँ पर सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इन सभी लोगों को नोटिस हो चुके हैं, सभी लोगों ये सारे केसेस इनके नॉलेज में हैं, और 498A के अंदर अगर FIR है और जिसके अंदर ये ट्रायल एक्यूज्ड के तौर पर पेश हो रहे हैं लर्नेड मजिस्ट्रेट जो लर्नेड CJM हैं मिस सुकृति उनकी कोर्ट में, तो वहाँ ये इस लड़की ने मेरे से ये पूछा कि सर क्या इन हालात में, मैंने सुना है कि ये लड़का जो है ये इसके माँ बाप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, लीगली हो सकता है? मैंने बिल्कुल साफ इनकार किया कि ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संविधान में भी ऐसा नहीं लिखा गया। मैडम लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? लास्ट में यही अपील करना चाहूँगी कि इस लड़के के खिलाफ और लड़की के खिलाफ जितने भी मतलब कि ये सारों ने मिलकर साजिश रची है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त मैं कानून से कार्रवाई चाहती हूँ कि ये लड़का कानून को भी इसने मजाक समझ रखा है। यही बोलता है बार बार, और मुझे एक दो बारी फ़ोन करके भी धमकियाँ दे चुका है जी, मेरा कानून कुछ नहीं कर सकता और मैं शादी करके दिखाऊँगा। और जी इसने शादी तो करके दिखा ही दिया है, पर फिलहाल इस वक्त तो कानूनी कार्रवाई करी जाए इस पर, जितने भी वो लड़की वाले हैं, लड़की का नेहा, मीना, कुलदीप, मुकेश, ज्ञानचंद, रिंकू, और माँ का नाम सुकंतला, और राजू इसके भाई का नाम, सब जो साजिश में है, मैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ रामनगर थाना से। मैं यही अपील करती हूँ, तो आपसे भी इस बात में ही वो यही बताता है मुझे बार बार कि मैंने पुलिस को पैसा खिला दिया। क्या गरीबों के लिए या कोई इंसाफ नहीं हुआ कि वो पैसा खिला दें तो हम कहाँ जाएं? कार्रवाई तो हमारी कर दीजिए। तो आप सभी लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि साथ के साथ इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि महिला बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरी शादी करना बहुत ज़्यादा इलीगल है। तो आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24 में हूँ आप सभी के साथ, महक शर्मा अपने सहयोगी दर्पण उप्पल के साथ। हरियाणा के करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।